आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह का आगरा से काफी गहरा लगाव रहा है। ताजनगरी के किसानों के साथ वो हर वक्त खड़े रहे हैं। जब भी किसानों की बात आई, अजीत सिंह उनके साथ नजर आए। उनकी आखिरी चुनावी जनसभा फरवरी 2017 में अकोला के चाहरबाटी इंटर कॉलेज में थी। वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से रालोद प्रत्याशी नारायण सिंह सुमन के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए थे। पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कप्तान सिंह चाहर के अनुसार चौधरी अजीत सिंह की पहली जनसभा भी आगरा में ही हुई थी। वर्ष 1989 में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने और विपक्ष की ताकत दिखाने के लिए उन्होंने आगरा के रामलीला मैदान में जनसभा की थी। इस मंच पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, शरद पवार, रामविलास पासवान जैसे सरीखे नेता थे। इस जनसभा के संयोजक पूर्व सांसद स्वर्गीय अजय सिंह थे। कप्तान सिंह चाहर का कहना है कि आगरा के नेताओं किसानों से अजीत सिंह के गहरे संबंध थे। स्थिति ये थी कि अजीत सिंह मंच पर कुर्सी पर बैठने की बजाय वह किसानों के साथ बैठना पसंद करते थे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीबों, पिछड़ों, किसानों की लड़ाई लड़ी। उन पर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आज पूरे राष्ट्रीय लोकदल परिवार को, पूरे देश को दुख हुआ है, भारी आघात पहुंचा है। तो मेरे उनसे व्यक्तिगत ताल्लुक थे, मुझे बहुत इसने बहुत प्यार करते थे। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने से हमारा पूरा परिवार स्तंभ रह गया है और हमें आज बहुत दुख है कि चौधरी अजीत सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ऐसा नेता अभी मिलने वाला नहीं है। जो मैंने उनको कई वर्षों से उन्हें देखा है, उनके साथ राजनीति की है, उन्होंने मुझे सिखाया है। ऐसे नेता के जाने से मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज, पूरे आगरा के लोग, जनता, पूरे देश, पूरे प्रदेश की जनता आज दुख में है। और आज चौधरी अजीत सिंह को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आगरा के लोगों पर उनका काफी प्रभाव था। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1991 के विधानसभा चुनाव में रालोद के 4 प्रत्याशी चुनकर आए थे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वे कई दिनों तक फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में रहे थे। तब पार्टी के उम्मीदवार स्वर्गीय अमर सिंह थे। पार्टी के मंडल अध्यक्ष नरेंद्र धनगर, किसान नेता चौधरी दिलीप सिंह, ब्रजेश चाहर, शहर अध्यक्ष दुर्गेश शुक्ला सहित अन्य रालोद नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।